तो और मेरे दोस्तों कैसे हो भाई। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने मेल आईडी को सेफ कैसे रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ना हमारा जो मेल आईडी है, गूगल आईडी है, वो सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी और के पास होता ही हमारा मेल आईडी, ठीक है। हमने फोन दे दिया, पीसी दे दिया यूज करने के लिए, और भाई पासवर्ड चुरा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे। तो अब उसको सेफ कैसे रखोगे, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे अपने मेल आईडी को। क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारा जो डेटा होता है हमारे मेल से ही जुड़ा होता है, ठीक है। हमारा गूगल फोटोज होता है, हमारा गूगल ड्राइव होता है, ठीक है। उसी के अंदर हमारा डेटा होता है, फोटोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे डेटा। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होगा आप उसमें भी सेव करके रखते हो अपने ड्राइव के अंदर, ठीक है। हमारे मेल्स में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं जो काम आते हैं, तो किसी ना किसी रीज़न से हमारा जो मेल आईडी है वो किसी न किसी के पास जाता है, वो मिस यूज कर सकते हैं हमारे मेल आईडी को यूज करके, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको करना क्या, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने मेल आईडी को और सेफ रख सकते हो भाई। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और चैनल पर नए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको करना क्या है लेके चलता हूँ फोन पे और फटाफट से बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो प्ले स्टोर दोस्तों आपको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर जैसे ओपन करोगे ना, ऊपर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। उस आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको ना ये वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। जैसे आप सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखने वाली है, ठीक है, योर डिवाइस, ठीक है। तो ये योर डिवाइस है ना, इसी में आपका सब कुछ छुपा हुआ है। आपको इसी से पता चलेगा कि कितने लोगों के पास आपकी मेल आईडी की एक्सेस है, ठीक है। कितने लोगों के पास आपकी मेल आईडी का पासवर्ड है, कितने लोगों ने आपके मेल आईडी को अपने फ़ोन में या फिर अपने डिवाइसेस में डाल के रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको इस जगह से पता चलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और यहाँ पे देख सकते हो मैनेज ऑल पे क्लिक करना है आपको, यहाँ वाले ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि अभी कौन कौन से डिवाइसेस में आपका ये मेल आईडी साइन इन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक तो मेरा ये फ़ोन है, ठीक है। दूसरा मैंने डाला था बट साइन आउट कर दिया था मैंने और डिवाइसेस में। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मेरा पीसी है, ठीक है। तो अभी दो जगह मेरा मेल आईडी है जो यूज़ हो रहा है, एक तो मेरा सामने जो पीसी है जिससे मैं वेबकैम कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा है मेरा ये फ़ोन। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया दो चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लिनक्स वगैरह में यूज़ कर रहे हो, मैक में, तो आपको वो भी यहाँ पे शो करेगा जितनी डिवाइसेज में रहेगी आपकी मेल आईडी, आपको यहाँ पे प्रॉपर शो करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आप कभी भी आके यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी मेल आईडी कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम पता लगा सकते हैं, और अब यहाँ से आप साइन आउट भी कर सकते हो। ये भी बताता हूँ मैं आपको, साइन आउट आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है जो भी डिवाइस साइन आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साइन आउट का ऑप्शन, ठीक है। तो इसको जैसे आप क्लिक करोगे ना, साइन आउट हो जाएगा, ठीक है। उस डिवाइसेस से एक्सेस टूट जाएगा, ठीक है, और आप पासवर्ड अपना फिर चेंज कर देना अपने मेल आईडी का पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह से हम साइन आउट कर सकते हो, इसी तरह से डिवाइसेस को देख सकते हैं कितने डिवाइसेस में हमारा मेल आईडी साइन इन है या फिर लॉग इन है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। तो वीडियो समझ में आई, वीडियो को एक लाइक जरूर देना और चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।